सुप्रभात। आज हम कृतार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 36वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। देखिएगा 36वां श्लोक है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वग एव अगजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोके विलोकयने नोत सहसे न बाधितम्। वनांत शय्या, वन भूमि में शयन करने से कठिनी कृताकृति, जिनकी देह कठोर हो गई है, विश्व सब ओर से कचाचितौ केशों से व्याप्त शरीर वाले, अर्थात संस्कार अभाव वश जिनके केश सर्वत्र विशीर्ण हो रहे हैं, अतएव अगजौ गजौ इव, अगजौ पर्वत पर उत्पन्न, गजौ इव हाथियों के समान प्रतीत होने वाले, एतौ यमौ इन यमज माद्री सुत नकुल सहदेव को विलोकयन देखते हुए त्वम धृति संयमौ बाधितुम, आपके धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए कथम न उत्सह से क्यों उत्साहित होते। वो आपको इस कठिन समय में भी आप उत्साहहीन बने हुए हो, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो वन की कठोर भूमि पर शयन करने से जिनका शरीर कठोर हो गया है और सब ओर से संस्कार अभाव के कारण केशों से व्याप्त शरीर वाले हैं, ऐसे नकुल सहदेव को देखते हुए भी आप अब भी संतोष और संयम धारण किए हुए उत्साहहीन बने हुए हो, ये आपके लिए उचित नहीं है। अगला श्लोक है, इमामेहं वेदना तावकीं धियं विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवत आपदां परां रुजन्ति चेतः प्रसवं ममाधय। इमाम तावकीं धियं, इस वर्तमान आपकी चित्तवृत्ति या मति की, अहम ना वे, मैं नहीं जानती, अर्थात इस प्रकार के पराभव का अनुभव करने पर भी, स्वजनों को क्लेश में देखने पर भी, क्रोध से रहित होकर धैर्य एवं संयम शालिनी आपकी चित्तवृत्ति को मैं नहीं जानती। चित्तवृत्तः विचित्र रूपः खलु, लोगों की चित्तवृत्तियां वस्तुतः अनेक और विचित्र रूप वाली होती हैं। संकल्प विकल्प आदि मनोव्यापार नाना रूप होने के कारण वस्तुतः विचित्र एवं दुर्बोध होते हैं। पराम अति गंभीर साम्राज्य विनाश परिभव आदि रूप भवत आपदम, आपकी विपत्ति की, विचिन्तयन्त्यः चिंता करती हुई, चेतः मेरे चित्त को आधया मनोव्यथाएं प्रसभम हटात रुजंती पीड़ित करती है, अर्थात व्याकुल कर रही है। तात्पर्य यह है कि आप ऐसे दुख का अनुभव करते हुए भी इसे कुछ नहीं समझ रहे हैं, यह है बड़े आश्चर्य की बात है। तो भावार्थ यह है कि लोगों की नाना रूप चित्तवृत्तियां विचित्र एवं दुर्विजय होती है, अतः आपकी इस दुर्वसन के समय भी धैर्य धारणी मति को तो मैं नहीं जानती, पर आपकी इस घोर साम्राज्य नाश पराभव रूप विपत्ति को सोचते हुए मेरे चित्त को मेरी मनोव्यथाएं किम कर्तव्य विमूढ़ एवं व्याकुल कर रही हैं। अगला श्लोक है, पुरा अधिरूढः शयनं महाधनं विबोधयसि यः स्तुति गीत मंगलहि अदभ्र गर्भाम अतिशय्या सा स्थलिं जहासि निद्राम आशवहि श्वारुतहि। यः जो तुम युधिष्ठिर महाधनं शयनं बहुमूल्य शय्या पर सुखपूर्वक अधिरूढः सोए हुए होकर
स्तुति गीत मंगल ही गुण वर्णन गान आदि परक मांगलिक शब्दों द्वारा पुरा पहले भी बोधय से जगाए जाते थे। वह तुम आज अधब्र दर्भाम स्थलिन बहुत से कुशम वाली अकृत्रिम वन भूमि में अर्थात कुश कंटकों से सब आच्छादित कठोर वन भूमि पर अधिशया सोकर अश्व ही अमांगलिक कर्ण कटु शिवारुत ही जम्बू की ध्वनियों से निद्राम जहासी निद्रा को छोड़ते हो अर्थात जागते हो। तो भावार्थ यह है कि आपके जीवन में कितना दुखद परिवर्तन हुआ है, जो कि तुम पहले बहुमूल्य शैया पर सोते हुए वैतालिकों के स्तुति गीतों से जगाए जाते थे, वह तुम आज कुश कंटकों से आच्छादित कठोर भूमि पर सोकर कर्ण कटु गीदड़ों की ध्वनि से जागते हो। पुरो उपनीतम निरपराम रामडियकम द्विजाति शेषेण यत ए यदे यदे तद अंधसा तद अद्य ते वन्य फलाशनः परम परैति कार्ष्यम यशसा समं बहु। नृप हे राजन, यत एतत् जो यह पुरो दृश्यमान शरीर प्रा पहले द्विजाति शेषेण द्विजों के खाने से शेष बचे हुए अंधसा अन्न से रमणीय का मनोहरता को उपनीतम प्राप्त कराया गया था, अद्य आज वन्य फलाशनः जंगली फलों को खाने वाले ते तुम्हारा तत्वपुः यह शरीर यशसा समम यश के साथ साथ परम कार्ष्यम बहुत अधिक कृष्णता को परैति प्राप्त हो रहा है। भावार्थ यह है कि आज शत्रुकृत अपमानों का प्रतिकार न करने वाले तुम्हारा यश जिस प्रकार छीन हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी जो कि पहले द्विज मुक्त अवशिष्ट अन्न से सुंदर हो गया था, अब जंगली फलों के खाने से परम कृष्णता को प्राप्त हो रहा है।